अब देखिए ये गवर्नमेंट ऑडिट क्या होता है ये गवर्नमेंट ऑडिट होता क्या है एक लाइन सिंपल ऑडिट डन बाय द गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट ऑडिट ध्यान से गवर्नमेंट ऑडिट इज डन बाय सीएजी सीएजी बोले तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ये है सीएजी आप देख रहे हैं ये पीछे मेरा पूरा सी खड़ा हुआ है तो आप पूछेंगे कि सीएजी क्या है तो ध्यान से देखिएगा सी ए जी इज ए साई साई बोले तो वॉट साई बोले तो वॉट सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन सुप्रीम बोले तो सबसे ऊपर सो so ध्यान से देखिएगा सीएजी जी इज एन इंस्टीट्यूशनल बॉडी क्रिएटेड बाय लॉ जस्ट लाइक अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ठीक उसी प्रकार से सी एजी है कंट्रोलर ऑडिट जनरल ऑफ ऑडिट है एक बार फिर से ध्यान रखना इस बात को अच्छी तरह से कि सी एक् इंस्टीट्यूशन है एक नेचुरल पर्सन भी है आप देखिएगा सी एजी डी पी सी एक्ट इसको कहते हैं सी एजी डीपीसी एक्ट सी ए जी डी पी सी एक्ट क्या होता है दैट वॉज पास नाइनटीन 1971. वन सो दैट इज सी ए डी पी सी एक्ट नाइनटीन वन अभी आपको इसके बारे में नहीं डालना आपको ज्यादा नहीं सोचना एक, एक के बारे में नहीं जानना तो ये क्या है सी एक बॉडी है लेकिन सी एक इंडिविजुअल पर्सन है जो इंडिविजुअल पर्सन बाई द एक्ट आता है बाई द एक्ट आता है इसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है तो ये जो सी ए जी कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल देख रहे हैं ये बॉडी है लेकिन एक नेचुरल बॉडी भी है वहां एक नेचुरल पर्सन भी है यानी सीएजी एक पोजीशन है जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और सीएजी का अपॉइंटमेंट कौन करता है सीएजी का अपॉइंटमेंट ये व्यक्ति है सीएजी आज के सीएजी ये हैं विनोद राय एक बहुत ही बहुत ही बहुत ही उम्दा सीएजी हुआ करते थे आपने सुना होगा आपने जाना होगा तो ये एक इंडिविजुअल पर्सन भी है और ये देख रहे हैं तो सी ए जी इज एन इंडिविजुअल पर्सन ऑफकोर्स ऑफ अ बॉडी एंड अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो यह आप जरूर समझिएगा कि ऑडिट इंस्टीट्यूशन सी एजी इज अंस्टीट्यूशनल बॉडी क्रिएटेड बाई लॉ जस्ट लाइक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर्सन एज वेल सी एज ऑडिट ऑफ पब्लिक एंटिटी सी एजी इज अज ऑडिट सी ए जी ऑडिट करता है किसका ऑफ पब्लिक एंटिटी अब आप कहेंगे कि साहब ये पब्लिक एंटिटी क्या होता है ध्यान से पब्लिक एंटिटी इज अ एंटिटी विच इज ओन्ड और ओंट्रोल बाय गवर्नमेंट अंडरलाइन कीजिएगा पब्लिक एंटिटी इज अ एंटिटी विच इज ओन्ड और कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट गलती से ओन्ड एंड मत कर दीजिएगा अगर ओन्ड एंड कर देंगे तो जो जो पब्लिक प्राइवेट मॉडल है जो पीपीए मॉडल है वो खत्म हो जाएगा क्योंकि कई बार अगर पब्लिक यानी सरकार एंड प्राइवेट मतलब इंडिविजुअल दोनों मिल के भी काम करते हैं तो उसका भी ऑडिट टू अ पर्टिकुलर पॉइंट सी के अंतर आता है तो अगर आपने यहां पे और के जगह एंड कर दिया यानी कि ओन्ड एंड कंट्रोल कर दिया तो पूरे मीनिंग का ऐसा का तैसा ऐसी की तैसी हो जाएगी सो वॉट इज कमिंग हियर अगेन ध्यान से फिर से पूरी लाइन ले रहा हूं सी ए जी इज ए पर्सन सी ए जी डज ऑडिट ऑफ द पब्लिक एंटिटी पब्लिक एंटिटी विच इज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट अब ध्यान से यहां पर गवर्नमेंट मीन्स एनी गवर्नमेंट सच एज यूनियन यूनियन बोले तो यूनियन गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट ओके स्टेट बोले तो स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट बिहार गवर्नमेंट यूपी गवर्नमेंट तमिलनाडु गवर्नमेंट कर्नाटका गवर्नमेंट एटसेट्रा और यूनियन टेरिटरी यूनियन टेरिटरी क्या है आपने देखा होगा चंडीगढ़ है आपने देखा होगा पाण्डीचेरी है तो ध्यान से देखिएगा ये जो बात है कि पब्लिक एंटिटी क्या है पब्लिक एंटीटी आद एंटिटी विच इज़ ओन्ड और कंट्रोल्ड बाई ए गवर्नमेंट ही अ गवर्नमेंट मे बी द यूनियन और स्टेट और यूनियन टेरिटोरी ये कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा अगर ये संस्था कंट्रोल्ड है एंड ओन्ड है तो उसका ऑडिट सी ए जी करेगा और अगर उसका ऑडिट सी करता है तो इसका मतलब ये है कि ये गवर्नमेंट ऑडिट है सो ध्यान रखिएगा मैं पब्लिक एंटिटी के बारे में कुछ एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ कि पब्लिक एंटिटी के केस में एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं ध्यान रखेगा पब्लिक एंटिटी मीन्स लाइक डी डी ए कंप्लीट लाइक ए डी डी ए अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि कई बार हम अगर बोलें पी एस यू ओ एन जी सी तो आप बोलते हैं जो पीएसयू है वही है नहीं अब DDA है DDA is public entity. तो DDA का कौन कौन करेगा CAG. कौन decide करेगा CAG. आप देख रहे हैं हैं ये ये आपने देख देख लिया इस DDA का कौन कौन करेगा करेगा आप रहे इसका जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिट है चाहे वो ONGC हो चाहे वो एमएमटीसी हो चाहे वो गेल हो चाहे वो बी एच ई एल हो चाहे कोई भी क्यों ना हो लेट वॉट एवर वॉट एवर माइंड में ये सारे के सारे ऑडिट विल बी डन बाय वॉट ऑडिट विल बी डन बाय होम ऑडिट विल बी डन बाय सी ए जी पी एफ आर डी इंश्योरेंस कंपनी आप देखते हैं ट्राई सी ई आर सी सी आर सी क्या होता है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कंट्रोल बोर्ड यानी कि ये जितने भी पावर होते हैं और पावर के लिए लाइसेंसिंग होती है उसको ये सीईआरसी ही कंट्रोल करता है सो दीज ऑल आर द कंपनी ओन्ड और कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट तो ये तो कुछ नमूने थे ये तो कुछ एग्जाम्पल थे इसके अलावा कई कंपनियां हो सकती हैं विच इज ओन्ड और कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट तो उनका जो ऑडिट होगा वो गवर्नमेंट ऑडिट कहला जाएगा एंड गवर्नमेंट ऑडिट कौन करता है गवर्नमेंट ऑडिट सी करता है सी क्या है सी एक कंट्रोलर ऑडिटर जनरल एक बॉडी है लेकिन एक इंडिविजुअल भी है यानी बॉडी का जो हेड है वो इंडिविजुअल है लेकिन बॉडी से उसकी पहचान होती है सी का अपॉइंटमेंट जो होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है जो सी का अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है एंड जो सी ए जी डी पी सी एक्ट है तो डी पी सी एक्ट पार्लियामेंट में पास हुआ है जो अलग से है जिनके अपने राइट्स हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं कंडीशन ऑफ वर्किंग है डी पी सी बोले तो उनकी ड्यूटीज क्या हैं, उनके राइट क्या हैं, उनके पावर क्या है उनके कंडीशन ऑफ वर्किंग क्या है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे अब यहाँ पे बात आती है कि सी ए जी डज ऑडिट ऑफ वॉट ध्यान से सी ए जी जो है जो कंपनी का ऑडिट है ओके okay, वो तो करती ही है करती है जो जो ओन और कंट्रोल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है अब सी क्या करता है ध्यान देखिएगा सी तीन फंड का ऑडिट करता है थ्री फंड्स अब ये थ्री फंड्स क्या है थ्री फंड्स का ऑडिट सी ए जी थ्री आ रहा है थ्री फंड्स का करता है फंड्स वन टू थ्री वन कंसोलिडेटेड फंड यानी कंसोलिडेटेड फंड का ऑडिट करता है टू पब्लिक अकाउंट्स पब्लिक अकाउंट्स का ऑडिट करता है फंड ऑफ इंडिया का ऑडिट करता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया का ऑडिट करता है आपने क्या देखा सी फंड फंड तीन तरह के हो गए कंसॉलिडेटेड फंड पब्लिक अकाउंट्स एंड वॉट कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया अब यहाँ पे आपको सीएजी ऑडिट को गवर्नमेंट ऑडिट को समझने के लिए आपको अति ध्यान से कंसोलिडेटेड फंड पब्लिक अकाउंट एंड कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा वट इज ए कंसॉलिडेटेड फंड ध्यान से देखना इसको हम कहते हैं इसको हम क्या कहते हैं संचित धन कंसॉलिडेट मतलब संचित धन इकट्ठा किया हुआ धन संचित धन मतलब इकट्ठा किया हुआ धन ये संचित धन क्या होता है या संचित निधि क्या होता है कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है इसको समझिएगा चलो मैं आपको एक छोटी सी बात कर रहा हूं छोटा सा बात कर रहा हूं बस आप सी ए कर रहे हैं आपको इनकम टैक्स के बारे में पता होगा पता है ना इनकम टैक्स के बारे में हाँ। कंपनी इनकम टैक्स जमा करती है या आपने एज ए इंडिविजुअल इनकम टैक्स जमा करते हैं तो एक छोटी सी बात बताइए आपने एज एन इंडिविजुअल इनकम टैक्स जमा कर दिया बोला हाँ जी कर दिया ये इनकम टैक्स कहाँ जाता है ये जो रुपया आपने जमा कराया ये पैसा जो आपने ट्रांसफर किया ये पैसा जाता कहाँ है वह डज इट गो ये पैसा जाता कहाँ है वह डज इट गो दैट्स अ पॉइंट वट आई मास्क बताइए अब आप कहेंगे कि सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाता है न जितनी भी आप पैसा जमा करते हैं वो सारा का सारा पैसा कंसोलिडेटेड फंड में जाता है यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना भी पैसा है उस कंसोलिडेटेड फंड सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है अगर स्टेट गवर्नमेंट का कंसोलिडेटेड फंड है तो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है लेकिन ये जैसे ही जाता है ये पैसा कंसोलिडेटेड फंड के पास जाता है मैं यहाँ एग्जाम्पल ले रहा हूँ सिर्फ सेंट्रल कंसोलिडेटेड फंड को हमने पहले भी बता दिया कि सी सेंट्रल गवर्नमेंट से यूनियन स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी सभी का ऑडिट करता है तो नेचुरली जितने भी गवर्नमेंट के फंड्स हैं उसका ये ऑडिट करता है कंसोलिडेटेड फ़ंड का मतलब होता है वो सारे के सारे फंड जो सरकार के पास आते हैं चाहे वो इनकम टैक्स हो चाहे एक्साइज हो चाहे वॉट एवर न्यू फॉर्म है जो जीएसटी आप देख रहे हैं एनी फंड यहाँ तक के अगर कोई कंपनी गवर्नमेंट बेच रही है आप सोचते हो ना उस गवर्नमेंट ने उस कंपनी को बेच दिया उस कंपनी को बेच दिया बी को बेचने की बात सोच रही है आप सोच रहे हैं ना एच को बेच दिया आप ये कहते हो ना एच पी सी एल इज सोल्ड मैं ये कहता हूं कि अगर एच ने बेच दिया तो जो पैसा आया एचपी जो बिक गया जो दूसरी कंपनी ने खरीदी तो उस केस में जो पैसा आया वो कहाँ जाएगा कंसोलिडेटेड फ़ंड में यानी आपके जेब से एक रुपया भी निकलता है और वो सरकार के पास जाता है वो कंसोलिडेटेड फ़ंड होता है वहाँ से वहाँ से पार्लियामेंट के अंदर ये पास होता है कि कहाँ कहाँ ये खर्चा होगा कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर होगा ये एक्सपेंसेस कहाँ होंगे मिनिस्ट्री में एक्सपेंस होंगे या किस डिपार्टमेंट में एक्सपेंस होंगे कैपिटल नेचर का खर्चा होगा या रेवेन्यू नेचर का खर्चा होगा ये सारी चीज़ें डिसाइड की जाती है पार्लियामेंट में तो ध्यान से देखिएगा कंसोलिडेटेड फंड में जो भी पैसा आता है अगर वो ख़र्चा होता है तो ये पार्लियामेंट देख रहे हैं ना इस पार्लियामेंट में पास होता है अब आप कहेंगे सर कोई इमरजेंट खर्चा आ गया है कोई बहुत ही अर्जेंट खर्चा आ गया है और पार्लियामेंट बंद है तो क्या वो खर्चा नहीं होगा यस वो खर्चा होगा लेकिन कहां से होगा वो सबसे नीचे जो देख रहे हैं आप कंटिजेंसी फंड उससे होगा लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जब तक ये पारित नहीं होगा जब तक यह सैंक्शन नहीं होगा जब तक ये अप्रूव्ड नहीं होगा तब तक खर्चा नहीं होगा तो आपने क्या देखा कि कंसॉलिडेटेड फंड इज ऑल रेवेन्यू कलेक्टेड इन द अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सो इसको समझिएगा क्योंकि यह बुनियाद है गवर्नमेंट ऑडिट को समझने के लिए गवर्नमेंट ऑडिट को दिल से जानने के लिए सो so, कभी आपने सोचा है कि जो आप इनकम टैक्स जमा करते हैं वह कहां जाता है सोचिए ऑलरेडी आपको बता चुका हूं यस yes, आपने सही सोचा कंसोलिडेटेड फंड वह कंसोलिडेटेड फंड में जाता है लाइक like, जो भी हो एक्साइज हो कस्टम हो डिविडेंड फ्रॉम पीएसयू हो इनकम टैक्स है गवर्नमेंट ने पीएसयू में पैसा लगाया है पीएसयू ने प्रॉफिट किया है तो गवर्नमेंट को पीएसयू क्या करेगी डिविडेंड देगी तो डिविडेंड फ्रॉम पीएसयू भी कहां जाएगा कंसोलिडेटेड फंड में जाएगा प्रोसीड फ्रॉम द सेल्स प्रोसीड ऑफ द डाइवेस्टमेंट यानी कि गवर्नमेंट ने किसी पीएसयू को बेच दिया किसी अपनी कंपनी को बेच दिया उसमें से जो पैसा आएगा वो भी कहा जाएगा कंसोलिडेटेड फ़ंड में जाएगा ये सारे पैसे कंसोलिडेटेड फ़ंड में जाते हैं एंड मज़े की बात बताएं कि इनकी एकाउंटिंग कैश बेसिस पे होती है अगर आपसे पूछा जाए कि कंसोलिडेटेड फ़ंड में जो अकाउंटिंग होती है वो कौन सा बेसिस पे होता है कंसोलिडेटेड फ़ंड में जो अकाउंट्स होता है जो कंसोलिडेटेड फंड में जो अकाउंट्स होता है एकाउंट्स मेंटेन किया जाता है वो एक्रूवल बेसिस पे नहीं होता वह एक्रूअल बेसिस पे नहीं होता वो कौन से बेसिस पे होता है वो कैश बेसिस पे होता है इट हैपेंस ऑन द कैश बेसिस तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी अब कि कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है अब आता है पब्लिक अकाउंट्स पब्लिक अकाउंट्स को हम हिंदी में कहते हैं लोक लेखा अकाउंट्स को क्या कहते हैं लेखा एंड पब्लिक को क्या कहते हैं लोक लेखा ध्यान से ये पब्लिक अकाउंट क्या होता है ध्यान से देखना कई बार रिसिट पब्लिक अकाउंट में जमा होता है मतलब क्या हुआ लाइक अ प्रोविडेंट फंड ऑफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आर डिपॉजिटेड इन द पब्लिक अकाउंट पब्लिक अकाउंट बोले तो ये जितने पैसे हैं ये पब्लिक अकाउंट में जमा हो गया अब मतलब क्या है जैसे प्रोविडेंट फंड है वो पहले से अलॉटेड है कि इस खर्चे के लिए है इस खर्चे के लिए है तो जितने भी सरकारी लोगों का प्रोविडेंट फंड कटता है वो सारा का सारा प्रोविडेंट फंड इट ऑल प्रोविडेंट फंड गोज़ टू द पब्लिक अकाउंट्स इट गोज़ टू व्हाट पब्लिक अकाउंट्स। अब आप बोलते हैं कि ये पैसा जो सरकार के पास गया क्या सरकार इसके ऊपर इंटरेस्ट देती है कि जिस पब्लिक का पैसा गवर्नमेंट का है क्या पब्लिक को ये इंटरेस्ट देती है या नहीं देती है ध्यान रखना ये कई बार देती भी है कई बार नहीं भी देती है डिपेंड्स अपॉन कि किस पब्लिक का पैसा है अलग विद एग्जाम्पल प्रोविडेंट फंड में जो इंटरेस्ट जाता है इसका मतलब सरकार के पास पब्लिक अकाउंट में प्रोविडेंट फंड का जो पैसा है प्रोविडेंट फंड का जो पैसा है प्रोविडेंट फंड का जो पैसा है उसके अगेंस्ट में सरकार क्या करती है इंटरेस्ट देती है सरकार क्या करती है इंटरेस्ट देती है सरकार क्या करती है इंटरेस्ट देती है लेकिन कई बार नहीं भी देती जैसे आई कह लूँ सी ई आर सी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कंट्रोल बोर्ड तो जो सी ई आर सी है मान लिया जाए कि उनके पास सरप्लस पैसा हो गया सरप्लस पैसा हो गया बरोबर अगर ऐसा सिचुएशन एज्यूम करो कि सीई ने अपना पैसा किसी प्राइवेट बैंक को दिया प्राइवेट बैंक उसको कितना इंटरेस्ट देगी कितना इंटरेस्ट देगी चार परसेंट पांच परसेंट दो परसेंट तीन परसेंट कई बार पैसा रखने के लिए पैसा लेते हैं वो लोग मतलब प्राइवेट बैंक टेक मनी फॉर कीपिंग मनी राइट दे टेक मनी फॉर कीपिंग मनी आई यू अंडरस्टैंडिंग मई पॉइंट तो उसमें रिस्क भी है चलो मैं एक बारता हूँ कि प्राइवेट बैंक कहता है मैं छः परसेंट छः टक्का का तो मैं इंटरेस्ट दूंगा अब अगर गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ी तो जाके प्राइवेट बैंक से लेगा तो सोलह सत्रह परसेंट में उसको मिलेगा तो गवर्नमेंट विल कम अंडर प्रेशर तो गवर्नमेंट ने कानून ऐसे बनाया है कि गवर्नमेंट की जो कोई कंपनी है और उसके पास सरप्लस पैसा है तो पूरा का पूरा सरप्लस पैसा पब्लिक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा यानी सी का सरप्लस पैसा कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा पब्लिक अकाउंट में सेबी का सरप्लस पैसा कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा पब्लिक अकाउंट में टीआरआई का ट्राई का ट्राई का अगर सरप्लस पैसा है तो कहाँ चला जाएगा पब्लिक अकाउंट में इतना ही नहीं अगर कोई व्यक्ति गुजर गया और उसके पास उसके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपया है लेकिन उसको क्लेम करने वाला कोई नहीं है तो आफ्टर सेवन ईयर वो भी पैसा पब्लिक अकाउंट में चला जाएगा यानी ये पब्लिक अकाउंट भी सरकार की अकाउंट है तो सरकार का वह अकाउंट जो पब्लिक के भी पे पैसा रखता है हम उसको कहते हैं पब्लिक अकाउंट्स अब सी वाले केस में देखेंगे कि सर क्या सी को पब्लिक अकाउंट में जो उसका पैसा जमा है उसके बनिस्पत कोई इंटरेस्ट मिलेगा क्या ये एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है एग्रीमेंट पे होता है एग्रीमेंट पे होता है हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है मेजॉरिटी अब द केस में नहीं होता चूंकि सरकार की ही कंपनी सी आर सी है और सरकार खुद में सरकार है तो सरकार होता है कि पैसा घुमाने के बजाय चलो जी हम मेंटेन करते हैं हम नहीं देते हैं बट कई बार क्या होता है कि देते भी हैं जैसे प्रोविडेंट फंड में जो एम्प्लॉई है जो आम जनता के पैसा है जिसको पैसा जाना है उनके पास तो इंटरेस्ट जाएगा ही जाएगा तो उस केस में सरकार इंटरेस्ट देती भी है तो आपने देखा कि पब्लिक अकाउंट वह फंड है पब्लिक अकाउंट वह फंड है जिस फंड में पब्लिक का पैसा जमा होता है सो आपने कंसोलिडेटेड फंड आप देख रहे हैं ये सारा चीज कंसोलिडेटेड फंड आपने देख लिया यहां पे सारा फंड का नाम आ रहा है आप देख रहे हैं कंसोलिडेटेड फंड देख लिया आपने पब्लिक अकाउंट देख लिया अब देखना कई बार ध्यान से देखिएगा कई बार रिसीट पब्लिक अकाउंट में जमा होता है लाइक प्रोविडेंट फंड ऑफ द गवर्नमेंट इंप्लॉय आर डिपॉजिटेड इन पब्लिक अकाउंट पब्लिक अकाउंट्स बोले तो पब्लिक का फंड इज लाइंग विद द गवर्नमेंट, लाइक सीईआरसी का सरप्लस मनी ए बी का ट्राई का लाइक like कैन से सीईआरसी से बी ट्राई ये सारी कंपनीज़ अपना सरप्लस फंड पब्लिक अकाउंट में जमा करा देती है ये सारे अमाउंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर लोन होता है यानी पब्लिक अकाउंट में जो पैसा है वो गवर्नमेंट अकाउंट यानी गवर्नमेंट के लिए लोन होता है अब बात आती है कि क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर इंटरेस्ट देता है या नहीं कई बार इंटरेस्ट देती है एंड कई बार इंटरेस्ट नहीं देती है लाइक प्रोविडेंट फंड के केस में गवर्नमेंट इंटरेस्ट देती है एंड कई बार कंपनीज के सरप्लस पर इंटरेस्ट नहीं देती है इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टर्म्स इट तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के दिन में अगर कहीं पे भी कंसोलिडेटेड फंड का नाम आता है तो उसका काम भी आपको पता है काम भी आपको पता है और आप कंसोलिडेटेड फंड के बारे में आराम आर से लिख सकती हो अगर आपके पास पब्लिक अकाउंट्स आता है तो पब्लिक अकाउंट्स के बारे में भी आप आराम आर से लिख सकते हो अब आता है तीसरा पॉइंट दैट इज कंटिजेंसी फंड अब ये कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया क्या होता है कंटिजेंसी का मतलब क्या होता है आपको पता होगा कि ये कंटिजेंट है पता नहीं है अकस्मात आ गया ये अर्जेंट नीड आ गया ये इमरजेंट नीड आ गया तो इसको कहते हैं कंटिजेंसी फंड ध्यान दीजिएगा कंस्टिजेंसी फंड वह फंड है जो किसी अकस्मात खर्चा के लिए क्रिएट किया गया है यानी कि यह फ़ंड इसलिए रखा गया है कि कहीं पर अकस्मात अचानक खर्चा की जरूरत आ गया तो इसे होगा अगर कोई सडन नीड आ गई तो इस फंड से इस फंड बोले तो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से स्पेंड होगा आपको पता होगा कि गवर्नमेंट का कोई भी खर्चा करने के पहले पार्लियामेंट में अप्रूवल होता है उसका पार्लियामेंट में अप्रूवल होता है वो अप्रूव्ड होता है उसके बाद ही खर्चा होगा अब ध्यान करो इफ़ देर इज़ एन एमरजेंसी और कंटिंजेंसी एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑप्टेन इमीडिएट अप्रूवल देन क्या होगा देन दैट खर्चा विल बी मेड विद द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड दिस फंड कैन बी यूटिलाइज फॉर द कंटिजेंट और इमरजेंट नीड यानी कि जो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है उसको यूज किया जाएगा कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है उसको यूज किया जाएगा कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है उसको यूज किया जाएगा कंटिजेंसी फ़ंड ऑफ इंडिया है उसको यूज किया जाएगा उसको यूज किया जाएगा उसको यूज किया जाएगा वॉट फॉर दैट एमरजेंट नीड दैट्स फॉर बेसिक नीड्स उसके लिए यूज किया जाएगा बाद में जब पार्लियामेंट खुलेगा तो उसे अप्रूवल कराया जाएगा तो आपने देखा कि जो सी ऑडिट करता है जो गवर्नमेंट ऑडिट है सीएजी ऑडिट होता है वो सीएजी बेसिकली तीन फंड के ऊपर ऑडिट करता है हम उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे वन कंसॉलिडेटेड फंड अब तो आपको कंसॉलिडेटेड फंड पता होगा ना टू पब्लिक अकाउंट्स अब आपको पब्लिक अकाउंट्स तो पता है ना थ्री कंटिजुनसी फंड ऑफ इंडिया आपको अब तो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया तो पता है ना अब आपको नेक्स्ट फेज इसी बैकग्राउंड में हम चलते हैं और बैकग्राउंड में हम चल के चलते हैं कि एक्सपेंडिचर यानी गवर्नमेंट किस-किस फॉर्म में एक्सपेंडिचर करता है थ्री फॉर्म्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज डन दैट इज कॉल्ड फॉर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर ध्यान से देखिएगा फॉर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर्म एक्सपेंडिचर एरो नीचे फॉर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका जो खर्चा करने का फॉर्मस होता है वो कितने होते हैं तीन वन ग्रांट्स टू लोन थ्री इन्वेस्टमेंट ग्रांट्स लोन इन्वेस्टमेंट तो एक्सपेंडिचर जो होगा आगे सेपरेट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन द एक्सपेंडिचर ऑडिट अगर ये तीन भी याद है जो हम बैकग्राउंड में सीख रहे हैं तो भी उस क्वेश्चन को आप हैंडल कर लोगे यू कैन हैंडल दैट क्वेश्चन यू कैन हैंडल द्वेश्चन राइट सो द वेरी सिंपल पॉइंट इज कमिंग वॉट द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी सीएजी के एक्सपेंडिचर के थ्री फॉर्म होते हैं तीन फॉर्म होते हैं वन ग्रैंड टू लोन, इन्वेस्टमेंट. फिर से बोलिएगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के कितने फॉर्म होते हैं तीन कितने तरीके से होते हैं तीन कौन कौन से वन ग्रैंड देन वॉट लोन देन वॉट इन्वेस्टमेंट फिर से बोलिएगा लोन एडवेंस फिर बोलिएगा ग्रोन दैट इज ग्रैंड लोन इन्वेस्टमेंट तो अगर आपसे मैं हूं अभी कि वट आर द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑडिट तो आप बोलेंगे आर थ्री थ्री फॉर्म्स ऑफ वन टू लोन इन्वेस्टमेंट थ्री इन्वेस्टमेंट अब हम थोड़ा थोड़ा इनको हम समझते हैं जस्ट थोड़ा थोड़ा ग्रांट्स 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 को हम क्या कहते हैं अनुदान अनुदान बोले तो दान यानी कहने का मतलब है कि वो वापस नहीं आएगा अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सपोज डिफेंस मिनिस्ट्री को ये ग्रांट दे दिया तो क्या डिफेंस मिनिस्ट्री सरकार को वापस देगा नो no. क्या उसके ऊपर इंटरेस्ट लेगा नो no. क्या उसके ऊपर डिविडेंड लेगा नो no. ये ग्रांट्स है ये अनुदान है ये गया आप देखिएगा मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट के कॉलेजेस ग्रांट्स पे चलते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री ग्रांट पे चलता है कई बार स्टेट गवर्नमेंट को भी ग्रांट देता है सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ से कंसोलिडेटेड फंड में जैसे कि कोविड के, के केस में आपने देखा होगा कि हमारे बहुत ही पूजनीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय मुख्यमंत्री जी पढ़े लिखे मुख्यमंत्री जी केजरीवाल जी ने कहा कि मुझे पाँच हज़ार करोड़ रुपया दो चूँकि मुझे कोविड के केस में दिल्ली के जनता के लिए मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है अब ये पांच हजार करोड़ रुपया वो केजरीवाल जी क्या मोदी जी के जेब से मांग रहे थे बिकॉज ये वह वक्त है और था जिसमें दिल्ली के गद्दी पे केजरीवाल जी थे एंड सेंटर के गद्दी पे मोदी साहब थे थे इसलिए बोल रहा हूं ये वीडियो लगातार चलता रहेगा सो so, अभी है भी तो जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर मैं नाम नहीं ले रहा हूँ दिल्ली का चीफ मिनिस्टर अगर सेंटर के प्राइम मिनिस्टर से कहता है कि मुझे 5000 हजार करोड़ रुपया दो तो इसका मतलब कि दिल्ली का चीफ मिनिस्टर सेंटर के प्राइम मिनिस्टर से सेंटर के प्राइम मिनिस्टर से कहता है कि मुझे ग्रांट दो कहाँ से कंसोलिडेटेड फंड से मुझे 5000 करोड़ रुपया दो तो ग्रांट का मतलब होता है अनुदान ये सरकार डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन देती है यह पार्लियामेंट में डिसाइड होता है कि किसको कितना क्या मिलेगा तो ध्यान से ग्रांट का मतलब अनुदान होता है ग्रांट दो तरह के हो सकते हैं ग्रांट कैन भी अब देखिएगा जो ग्रांट है कैन भी टू टाइप कैपिटल नेचर एंड रेवेन्यू नेचर पहले आप समझ लीजिए ग्रांट टू टाइप्स है वन इज अब कैपिटल नेचर And two is a what revenue nature. Grant is a capital nature and two is a what revenue nature. अब देखिए grant defence को, देख को, को जा रहा है ये grant जो है defence को जा रहा है ठीक है तो डिफेंस मिनिस्ट्री को दो कारण के लिए जा सकता है कैपिटल नेचर के लिए जा सकता है एंड रेवेन्यू नेचर के लिए जा सकता है अगर ये ग्रांट रफाइल खरीदने के लिए जा रहा है ये देख रहे हैं रफाइल हवा में उड़ रहा है ये है रफाइल देखिए ये टेस्ट में इसको खरीदने के लिए पैसा जा रहा है ये है रफाइल देखिए हवा में जा रहा है देखा आपने अब बताइए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंसोलिडेटेड फंड से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ग्रांट दिया रफाइल खरीदने के लिए तो ये रेवेन्यू होगा ग्रांट या कैपिटल होगा कैपिटल ग्रांट होगा अगर मान लिया जाए लेह लद्दाख में कश्मीर में रोड बनाने डिफेंस के रोड बनाने के लिए पैसा दिया जा रहा है डिफेंस का अपना रोड होता है डिफेंस के रोड बनाने के लिए पैसा दिया जा रहा है अब एक बात बताइए जो डिफेंस का रोड बनाने के लिए पैसा दिया जा रहा है वो कैपिटल नेचर का ग्रांट होगा या रेवेन्यू नेचर का ग्रांट होगा चूंकि ग्रांट दो तरह के होते हैं कैपिटल नेचर रेवेन्यू नेचर कैपिटल नेचर ग्रांट रेवेन्यू नेचर ग्रांट कैपिटल नेचर ग्रांट एंड रेवेन्यू नेचर ग्रांस अब बताइए ये कैपिटल नेचर ग्रांट्स है या रेवेन्यू नेचर ग्रांड है अगर रोड बनाने के लिए पैसा दिया गया तो दोस्तों ये कैपिटल नेचर ग्रांट है लेकिन आर्मी के लोगों को सैलरी देने के लिए पैसा ग्रांट दिया गया तो ये रेवेन्यू नेचर है या कैपिटल नेचर है ये रेवेन्यू नेचर है सिमिलरली अगर यूनिवर्सिटी है अगर सेंट्रली मैनेज यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी को अगर बिल्डिंग बनाने के लिए लेट टेक एनी यूनिवर्सिटी आई एम नॉट नेमिंग इट अगर किसी यूनिवर्सिटी को ग्रांट दिया जा रहा है बिल्डिंग बनाने के लिए तो जो बिल्डिंग बनाने के लिए ग्रांट दिया जा रहा है ये कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का है दोस्तों ये कैपिटल नेचर का है लेकिन प्रोफेसर साहब लोगों का सैलरी देने के लिए ग्रांट दिया जा रहा है तो बताइए ये रेवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर का है ये रेवेन्यू नेचर का है दिस इज ऑफ वॉट रेवेन्यू नेचर ये रेवेन्यू नेचर का है इसको अच्छी तरह से समझ जाइएगा तो ये क्या कहता है देखिएगा लाइक अ डोनेशन विच इज गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाउ ग्रांट्स टू टाइप्स के हो सकते हैं रेवेन्यू ग्रांट्स एंड कैपिटल ग्रांट्स लेटेस्ट टेक एन एग्जाम्पल अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया फॉर परचेजिंग द रफाइल देन इट विल बी अ कैपिटल ग्रांट अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ग्रांट दिया लद्दाख में रोड बनाने के लिए देन अगेन इट विल बी अ कैपिटल ग्रांट्स अगेन अगेन अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को सैलरी देने के लिए ग्रांट दिया गया देन दिस बी दे रेवेन्यू ग्रांट जितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वह ग्रांट पर चलते हैं दिस टू कैन बी आई कैपिटल ग्रांट और द रेवेन्यू ग्रांट अगर बिल्डिंग बनाने के लिए दिया गया जा रहा है देन इट विल बी अपिटल ग्रांट अगर प्रोफेसर की सैलरी देने के लिए दिया जा रहा है देन इट बिकम्स रेवेन्यू ग्रांट अब आता है नेक्स्ट लोन दैट इज लोन अब लोन क्या है गवर्नमेंट किसी को लोन दे सकती है गवर्नमेंट किसी को लोन दे सकती है एंड यह लोन इंटरेस्ट पे भी हो सकता है एंड नॉन इंटरेस्ट पे भी हो सकता है ध्यान से देखिएगा गवर्नमेंट कोई कंपनी है उस कंपनी को लोन दे रही है लोन दे रही है तो गवर्नमेंट अपनी सरकारी कंपनी को बचाने के लिए लोन दे रही है गवर्नमेंट को बताया चलो जी इंटरेस्ट नहीं लेंगे कंपनी खड़ी हो जाएगी दुनिया का एम्प्लॉयमेंट वगैरह चलता रहेगा अगर आपने देखा होगा अभी अभी एन नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन को सरकार ने लोन दिया है और ये इंटरेस्ट फ्री लोन है अभी आपने देखा होगा आरबीपीएल यानी रेल विकास प्राधिकरण को भी सरकार ने लोन दिया है और यह भी लोन इंटरेस्ट फ्री है तो कई बार कंसोलिडेटेड फंड से सरकार जो है लोन देती है कंपनियों को कि कंपनी सरवाइव कर जाए यह इंटरेस्ट के बेस पे भी हो सकता है एंड फ्री ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है नाउ डिफरेंस इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट को लोन गवर्नमेंट दे सकती है अब हमारे पास तीसरा जो मेन पॉइंट आ रहा है इन्वेस्टमेंट ध्यान देखिएगा इसको कहते हैं पूंजी निवेश कई बार सरकार कहती है कोई नई कंपनी खोलती है उसमें कैपिटल लगा के बिजनेस करती है वो कहती है बाद में इक्विटी शेयर हो जाएगा राइट right. अगर मान लो कि कोई नई कंपनी सरकारी कंपनी आ रही है तो नेचुरली उसमें सरकार कैपिटल लगा रही है कैपिटल लगा रही है तो उसमें इन्वेस्टमेंट करेगी वो प्रॉफिट उसका मोटिव नहीं है जैसे प्रॉफिट उसका मोटिव नहीं है ऑब्वियस ही है लेकिन जो बेसिक प्रॉफिट आता है वो तो आएगा तो उसमें सरकार का इन्वेस्टमेंट होगा तो सरकार उसमें इन्वेस्टमेंट करेगी कई बार पैसा तो नई कंपनी ना हो तो भी पैसा लगाती है एज ए इन्वेस्टमेंट बाद में होगा तो इंटरेस्ट लेंगे अभी आप ही आप देखिएगा ये है आई एफ सी आई आई एफ सी आई में भी सरकार ने अभी अभी इन्वेस्ट किया है क्यों इन्वेस्ट किया है क्योंकि उसको पता है कि जब ये प्रॉफिट मेकिंग हो जाएगी या ये ब्रेक इवन पे आ जाएगा तो ये जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया गया वो शेयर के रूप में कन्वर्ट होगा ये कई बार कन्वर्टेबल भी होता है नॉन कन्वर्टेबल होता है नॉन कन्वर्टेबल का मतलब क्या है कि सीधा इक्विटी जा रहा है कन्वर्टेबल क्या होता है डेप्ट के फॉर्म में जाता है जो आगे कन्वर्टेबल हो जाता है आप अपने आप को बस इतना समझिए कि, कि कई बार सरकार जो है नई कंपनी को पैदा करती है और उस नई कंपनी को पैदा करने में क्या करती है साहब इन्वेस्टमेंट करती है कई बार उसमें इन्वेस्टमेंट करती है सो ध्यान से देखिएगा अच्छी तरह से ये था कंसेप्ट सो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को गवर्नमेंट ऑडिट का बैकग्राउंड समझ में आ गया